अयोध्या के नया घाट पर भगवा हिंदू क्रांति दल ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का फोटो जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर माता सीता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश है। 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नया घाट पहुंचे और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कल्याण बनर्जी की फोटो को जलाया। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद जो बांग्लादेश का एक तरीके से बिचौलिया है, उसने मां जानकी के बारे में एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान 2 दिन पहले जारी किया है, जिसको लेकर भगवा हिंदू क्रांति दल ने पहले ही बोला है कि उस सांसद के खिलाफ जब भी वो दिल्ली के अंदर आएगा उसके मुंह पर कालिख पोत कर हम लोग भेजेंगे। यहाँ पर संगठन के सारे पदाधिकारी माँ जानकी के उस अपमान का बदला लेने के लिए तृणमूल कांग्रेस का जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उसका यहाँ पर हम लोगों ने अभी आपके सामने पुतला दहन किया है। उधर टीएमसी सांसद की विवादित टिप्पणी के खिलाफ अयोध्या के संतों और धर्माचार्यों में आक्रोश है। आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी के संत परमहंदास ने कहा कि सनातन धर्म की आस्था पर कुठाराघात करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। टीएमसी सांसद को कठोर सजा मिले। उन्होंने ऐलान किया कि सांसद कल्याण बनर्जी का सर कलम करने वाले को 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वहीं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कल्याण बनर्जी से उनके बयान के लिए माफी मांगने की मांग उठाई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है, उससे पूरे देशवासियों की जो है तो भावना आहत हुई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान से एक जगत जननी पराम्बा भगवती माता जानकी का अपमान हुआ है, भगवा का अपमान हुआ है और सभी बहुसंख्यक समाज की आस्था पर कुठाराघात हुआ है। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनको जो है सख्त सख्त सजा दी जाए। कल्याण बनर्जी का दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं ममता वानू से कहना चाहता हूं कि उनके यह जो पार्टी के महोदय हैं क्षमा मांगें। ये भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं है, साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं है, भगवे चोले का ये अपमान बर्दाश्त नहीं है।